वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो आई होप कल जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने, यू हैव गिवन टाइम टू इट एंड यू हैव सीन दोज वीडियोज केयरफुली। इफ यू हैवेंट वॉच दोज वीडियोज, देन आई सजेस्ट बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, यू मस्ट वॉच येस्टरडेज पार्ट 7A एंड पार्ट 7B वीडियोस फर्स्ट, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक 8.3 के जो हम क्वेश्चंस करेंगे यू वोंट बी एबल टू गेट इट। ओके, सो प्लीज वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। ऑल राइट, एंड दोज हु हैव, वेल डन। एंड नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, टू यू नो गो थ्रू इट अगेन। आई रिवाइज सिंपल इंटरेस्ट विद यू। आई टोल्ड यू द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू टी। एंड आई टोल्ड यू दैट टू फाइंड द इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट पेएबल वी हैव टू एड प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्क होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के बाद क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का जो टोटल अमाउंट बनता है इंटरेस्ट ऐड होके, वो अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। फिर जब सेकेंड ईयर का जो टोटल अमाउंट बनता है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो इस कारण कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट भी चेंज होता रहता है और जो हर साल का इंटरेस्ट बनता है वो भी चेंज होता रहता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक्चुअली फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। इस अमाउंट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों शामिल होता है, इसलिए जब हम ये अमाउंट निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से तो हमें कंपाउंड सिर्फ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फिर मैंने आपको दो वेरिएशंस बताए थे। एक वेरिएशन ये था कि जनरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग आता है ईयरली करना, मतलब फॉर अ होल ईयर यू आर टोल्ड टू फाइंड इट, बट समटाइम्स यू आर टोल्ड टू फाइंड इट हाफ ईयरली, समटाइम्स यू आर ऑल्सो टोल्ड टू फाइंड इट क्वार्टरली। अब जैसे कि आपको पता है 12 महीने, अब एक साल के अंदर 2 हाफ्स होते हैं 6 6 महीने के। ओके, और एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 3 महीने के करके, ठीक है। ओके, तो जब हमें हाफ ईयरली निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और टाइम को डबल कर देते हैं, यानी कि टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर वो नई रेट और नए टाइम के साथ हम सोल्यूशन करते हैं। अगर क्वार्टरली आता है तो हम रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और वेरिएशन जो था वो ये था कि कई बार हमें टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है, तो फ्रैक्शन तो हम इधर नहीं लगा सकते, हाउ विल वी सॉल्व इफ देर इज अ फ्रैक्शन हियर। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला है, आप पहले इसको लिखिए, फिर इतने ही पोर्शन को दोबारा लिखिए। जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी आपको, अगर नहीं है तो भी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो ईयर को। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इस फॉर्म में आप जो होल पार्ट है उसको यहां पे लिख दीजिए एन की जगह, और जो फ्रैक्शन बचती है उसको अगले पार्ट में आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड देन यू सॉल्व इट। दिस इज व्हेन द टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन। सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस टुडे स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, अच्छा पेपर और अच्छी कॉपी अटेम्प्ट करने का साइन ये होता है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, कि आपको जो गिवन है आप उसको पहले लिख लीजिए। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800। ओके, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स और आर दिया हुआ है 12.5% इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 बाई 12।
2%, ये आपको दिया हुआ है। आपको इसको करनी है कंपाउंडिंग एनुअली, ओके। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट पेड भी निकालना है। तो सबसे तो आपको जैसा कि मैंने कल बताया था, हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम अमाउंट के फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, ऑलवेज राइट योर फॉर्मूला फर्स्ट, इवन इफ यू नो इट, स्टार्ट विद द फॉर्मूला फर्स्ट। ये मत सोचो कि मुझे पता है, टीचर को भी पता है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल देती हूँ। नो, यू मस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। वेन यू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, कई बार क्या होता है, जब हम डायरेक्टली वैल्यूज डालते हैं तो हम फॉर्मूला का कुछ पार्ट भूल जाते हैं एट मेनी टाइम्स। सो यू मस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, राइट द वैल्यूज ऊपर, सो दैट द टीचर हु इज चेकिंग योर पेपर एग्जैक्टली नोज कि आपने क्या कहां से क्यों करा है। ओके, ये एन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, पी हमारा क्या है, 10,800 है, 1+ आर क्या है हमारा, 25/2 डिवाइडेड बाय 100, एन था 3 raised to the power 3। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर होता है तो इट स्लिप्स डाउन, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 100 बन जाएगा, raised to the power 3। ओके, सो ये 10,800 आप कर लीजिए, यू कैन सिंप्लीफाई इट, ये 25 × 4 = 100 होता है। ओके, सो 1+1/8 हो गया, raised to the power 3, 10,800। देन जैसे कि कल हम कर रहे थे एलसीएम लिया, यहां हम इसको 1 मानते हैं, तो मैं दोबारा से बता रही हूं क्योंकि आई एम श्योर यू आर इवन नाउ कंफ्यूज कि ये कैसे आता है, जबकि ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। हम कैसे करते हैं एडिशन, एलसीएम 8 मान लेंगे हम, क्योंकि 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। अब हम देखेंगे 1 की टेबल में 8 कहाँ आता है, 8 पे आता है, तो वो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 1 = 8। ओके, फिर हम देखेंगे 8 की टेबल में 8 कहाँ आता है, 1 पे आता है, और फिर उस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1। ओके, दैट इज हाउ आई ब्रिंग इट। ओके, ये हुआ। उसके बाद फिर 10,800, एंड प्लीज व्हेन यू डू इट इन योर कॉपी, प्लीज घुचड़ मुचड़ करके काम मत करना, प्लीज डू इट नीटली। ओके, 9/8 raised to the power 3, और उसके बाद 10,800 × 9/8 × 9/8 × 9/8। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये मैं एक क्वेश्चन कर रही हूं, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी, यू विल डू इट ऑन योर ओन। ओके, 5/4 अगेन, 2/7 2, ओके, फिर 1, और ये हो जाएगा 1/3 5/0। ओके, उसके बाद फिर हम दोबारा से 2 कर 4 6 6 75। ओके, तो बेसिकली ये क्या रह गया यहाँ पर, 6 75 × 9 × 9 × 9 divided by 4 × 8, एंड नाउ आफ्टर दिस यू गॉट टू डू द सोल्यूशन ऑफ इट। ओके, मल्टीप्लाई करके, आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, ये सब मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 24 कर लेना, वो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर टोटल अमाउंट। ओके, द आंसर दैट विल कम विल बी योर टोटल अमाउंट। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट। नो, आई डोंट थिंक सो। या तो इसको आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपका अमाउंट आएगा उसमें से आपको 10,800 को माइनस करना है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन। अमाउंट निकालने के लिए आपको वही करना पड़ता है कि जो आपका सीआई निकालने के लिए, कि जो आपका अमाउंट आता है
उससे आपको मैं कर दे यहाँ लिख देती हूँ लास्ट एंड में। सो सी आई कैसे निकलेगा, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो जो पहले आपका यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे अमाउंट आएगा, उससे फिर आप प्रिंसिपल को माइनस कर देना, वो आपका सी आई आ जाएगा। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आई वोंट बी डूइंग इट। रुपीज 18,000 फॉर 2.5 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपका पी हो जाएगा 18,000, इयर्स हो जाएंगे 2.5 इयर्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास इयर्स फ्रैक्शन में होते हैं तो हमें दूसरा लगाना पड़ता है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं। आई शो यू बी पार्ट। ओके, पी क्या है हमारा, रुपीज 18,000 है, ठीक है, और हमारा टाइम क्या है, 2.5 इयर्स है, और हमारा रेट क्या है, 10% है, कंपाउंडेड एनुअली। तो आप सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर, सॉरी ये लगाएंगे मैंने आपको गलत, सॉरी ये हो गया। मैंने आपको कौन सा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऐसे होगा तो आप क्या करोगे, आप यहां पर आप यहाँ पे या तो डायरेक्टली लिखो, क्योंकि आई डू वन थिंग, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस। ये 2.5 ईयर्स है ना, तो पहले आप ऐसे फॉर्मूला लिख लो, 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था फ्रैक्शन के लिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के इसके टाइम के दो पार्ट होंगे, एक ये होल पार्ट एक फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट आपका यहां चला जाएगा और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको आप यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब आप बची हुई वैल्यूज डाल लो, 18,000 1 प्लस 10 बाय 100 रेज टू द पावर 2, 1 प्लस इंटू 10 100, यहां पर कोई टाइम नहीं आएगा। ओके, ये सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है। ओके, टाइम फ्रैक्शन में दिए होने का एक और तरीका भी होता है, पर क्योंकि वो स्लाइटली लॉन्ग होता है तो आई एम नॉट टेलिंग यू। उस तरीके में क्या होता है कि आप पहले हाफ को छोड़ देते हैं, टू ईयर्स के ऊपर आप जो नॉर्मल अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो लगाकर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, आप अमाउंट निकालते हो, और फिर जो अमाउंट निकलता है उस अमाउंट को प्रिंसिपल बनाकर आप हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो। सो बट दैट गेट्स वेरी वेरी लॉन्ग, इट इज अ वेरी, यू नो, यू फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन यू हैव टू कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट। इन दिस हियर यू पुट वन फॉर्मूला एंड यू कैलकुलेट द होल क्वेश्चन इन वन गो। सो दिस इज ओनली फॉर दोज सिचुएशंस व्हेन यू हैव टाइम इन फ्रैक्शन, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 18,000 ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/1 प्लस 1/10 रेज टू द पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5। ओके, 1 प्लस 5/100, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लो और फर्दर, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो ये हुआ 18,000, और ये हो जाएगा 10 + 1/10 रेज टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 20 + 1/20। ओके, तो ये होएगा 18,000 11/10 21/20, और ये हो जाएगा 18,000 इंटू 11/10
इंटू इलेवन बाई बाई टेन इंटू सर दो बारी है इंटू 21/20। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया और टू से ये कट गया नाइन। ओके तो ये क्या आया हमारे पास, इलेवन नाइन इंटू इलेवन इंटू इलेवन इंटू 21। ओके सो बेसिकली दिस इज 189 इंटू 121। ओके सो लेट्स डू इट, 189 इंटू 121, 981, 18, 17, 3, 981, ओके सो 9, 16, 10, 17, 18, 9, 12, 3, 2, 8, 6, 9, अमाउंट कितना हुआ रुपीज 32869। ये हुआ टोटल अमाउंट विच विल बी पेड आफ्टर टू एंड हाफ ईयर्स ऑन रुपीज 18,000 इफ इट इज टेकन एट द रेट ऑफ 10%। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके सो दिस विल बी रुपीज 32,869 माइनस रुपीज 18,000। ओके तो ये हो जाएगा 968, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से ये रुपीज 14,869 विल बी दी इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट पेड विल बी दिस। ओके यही हमें निकालना है ना इसमें, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो हमारा सीधा फॉर्मूला से आ ही जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर हम उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है रुपीज 62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके अब आप देखो इसमें क्या आ गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया है। कल जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवाया कि जब हाफ ईयरली आता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं। तो सी पार्ट भी एक देख लेते हैं इसका। ओके सो पार्ट सी, इसमें हमारा पी क्या दिया हुआ है हमें रुपीज, पी इज 62,500, रेट इज 8% एंड टाइम इज 1.5 ईयर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/2 ईयर्स। ओके तो हम बिकॉज वी हैव टू कंपाउंड सी आई हाफ ईयरली देयरफॉर रेट क्या हो जाए, देयरफॉर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8/2, हमें रेट को हाफ करना है तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई 4% हो गई। ठीक है न्यू टाइम इज इक्वल टू, टाइम को हमें डबल करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 3 इयर्स। अब हमें इनको भूलना है और अब हमें अपना क्वेश्चन इनके साथ करना है। तो आप अमाउंट का फॉर्मूला लिखो पी 1+R/100 रेज टू द पावर एन, पी था 62,500, 1+R हमारा हो गया, नया आर हो गया 400 डिवाइडेड बाय 3। ओके आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई इट बिकॉज ये 100 में है तो दैट इज बेटर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा।
विल मेक दिस कैलकुलेशन लॉन्गर. तो ओके वही एलसीएम लेकर 100 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100, वैसे तो ये 25 हो जाएगा. विल सी. ओके सो देन हो गया 62500 104 डिवाइडेड बाय 3. 62500 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2. ठीक है, 20 से 20 कट गए. ओके दूसरा हम कर सकते हैं, आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर अगर हमने इसको 25 कर लिया होता तो. ठीक है, एनी वे वी कैन वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट. हम इसको 5 से करने की कोशिश करते हैं. सो ये 20 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 125, 4, 20 और ये हो जाएगा 25. ठीक है, अब दोबारा से 25 से 100 कट जाएगा 4 से. ठीक है, उसके बाद फिर ये 4 से हम 2 से ये काट सकते हैं 5, 54, 2 और फिर दोबारा कट जाएगा ये 27 हो गया. ठीक है, और अब हम दोबारा इसको काटेंगे 2, 54 और ये हो गया दोबारा से 27 हो गया. ओके तो हमारा क्या आया, हमारे पास क्या बचा है भाई, ये 27 इंटू 104. लेट अस सी कि क्या देता है हमें. इट शुड बी मोर देन 28, 27 इंटू 8, 0. ये तो बहुत कम अमाउंट आया है, सो दैट मीन्स वन मोर 27 इज देयर ना. आई फॉरगॉट 8, 10, वन कैरी ओवर 8, 2808 और फिर एक और 27 बचा हुआ है तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे. सेवन एट जा 54, 5 दोबारा से 4, 19, 16, 16 हर एक 5 तो ये हुआ 4, 11, 5, 6 ये हो गया 15, 6, 75,000 ये कितना निकला इंटू 27 था इज इक्वल टू रुपीज 75,614. हमारा अमाउंट क्या आ गया, रुपीज 75,614 आ गया. तो ये तो हमारा आया अमाउंट. नाउ वी हैव टू डू व्हाट, टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल फ्रॉम दिस अमाउंट. ओके सो सी आई इज इक्वल टू रुपीज 75,614 माइनस 62,500 इज इक्वल टू, इट विल बी 411,131 रुपीज 13,114. ये जो मैंने यहाँ पे कैंसलिंग की है बच्चे, अब मुझे आपको कैंसलिंग करना नहीं सिखाना है क्योंकि दिस यू हैव डन प्लेंटी बाय दिस टाइम. यू जस्ट कीप सीइंग कि कौन सा कौन सी टेबल से कटता है. यू हैव टू सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशन फॉर यू. ऐसा नहीं है कि आप ऊपर सब कुछ मल्टीप्लाई इकट्ठा कर दो और उसके बाद उसके आगे छह ये, क्योंकि 6 जीरोज हैं तो आप 6 के बाद डेसिमल भी लगा सकते हो, बट देन दैट्स अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन. 6 इसमें अगर आप वो करोगे तो यू हैव टू सिंप्लीफाई कि किससे क्या कट रहा है, दैट इज अप टू यू.
ओके, वेदर यू वॉन्ट टू सिंप्लीफाई एट दिस स्टेप और वेदर यू वॉन्ट टू से, अगर मैं यहां पे भी 4 से 25 को काट, 4 25 100 होता है, मैं यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकती थी, आई चोज नॉट टू डू. यू वॉन्ट टू डू इट देयर, यू कैन डू इट देयर, बट बेसिकली इट इज अप टू यू हाउ यू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन. सो दिस इज हाउ इट इज. ओके, तो ये आपको पता चल गया. अब जब हाफ ईयरली होता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से बता देती हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं, टाइम को हम डबल कर देते हैं, और फिर हम पहले वाले को भूल जाते हैं, हम इन दो चीजों के साथ कैलकुलेशन करते हैं. ओके, सी भी हो गया. डी, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो अब मैंने आपको क्या बताया था, रेट ये भी हाफ ईयरली है, तो आपको क्या करना है, टाइम को डबल कर देना है, टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 9.2%, 9/2%. ओके, और फिर वो 2 नीचे स्लिप हो जाएगा 100 के साथ. फाइन, मैं लिख के दिखा देती हूँ, कैलकुलेशन नहीं करूंगी, कैलकुलेशन यू विल डू योर सेल्फ. तो डी वाले पार्ट में भी हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू रूपीज 8,000, आर इज इक्वल टू 9%, एंड हमें टाइम क्या दिया हुआ है, 1 ईयर. ओके, सो बिकॉज इट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देयरफॉर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9/2%. ठीक है, हाफ करनी है आपको, तो डेसिमल में तो आप ले नहीं सकते, इसलिए कीप इट इन फ्रैक्शन ओनली. न्यू टाइम इज इक्वल टू 1 × 2, डबल करना है तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स. अब आपको इसके साथ निकालना है, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले में लगा के छोड़ रही हूं, सॉल्यूशन यू हैव टू डू योरसेल्फ. पी इज इक्वल टू 1 + r/100 रेज टू द पावर n. पी 1 + r क्या है हमारा, 9/2 / 100 रेज टू द पावर 2. सॉरी, पी लगाना तो मैं भूल गई, 8,000. ओके, फिर 8,000 हो गया, ये 1 + 9, और क्या हो जाएगा, 2 नीचे स्लिप हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. ओके, अब आपको ये क्वेश्चन इसके आगे खुद से करना है. ये 200 हो जाएगा, तो फिर अगले स्टेप में 200 + 9 हो जाएगा, और फिर आप उसको लिखकर सॉल्व करके देखें. सो दिस इज पार्ट डी. उसके बाद है पार्ट ई. ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अगेन सेम क्वेश्चन, यहां पर भी हाफ ईयरली बोला गया है, तो आप रेट को हाफ कर देंगे, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो न्यू रेट क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी. टाइम को आपने क्या करना है, डबल करना है, तो 1 को जब आप डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो आपका नया टाइम 2 ईयर्स होगा और आपकी नई रेट 4% होगी. इसी तरह से फॉर्मूला में उसको लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 डन. आप जो कल मैंने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, उसके अलावा ये क्वेश्चन करना है. उसके बाद नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज, शहनाज बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली. व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन. तो शहनाज ने 26,400 का लोन लिया एक बैंक से, और लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, 15% थी. लोन कितने साल का था, 2 साल 4 महीने का लोन था. आपसे पूछा जा रहा है कि वो लास्ट में कितना अमाउंट बैंक को वापस करेगी. तो मैं जस्ट शो यू दिस क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, प्रिंसिपल क्या लिया शहनाज ने, रुपीज यहां पर हमारा क्या है, 26,400. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, 15% थी, और टाइम क्या है, टाइम है 2 ईयर्स 4 मंथ्स. ओके,
अब ये इयर्स में है, ये मंथ्स में है। मैंने कल आपको कहा था आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, या तो टू को भी मंथ्स में कन्वर्ट किया जाए और या फोर को इयर्स में कन्वर्ट किया जाए, ओनली देन बोथ द यूनिट्स हैव टू बी सेम टू डू द कैलकुलेशन। ओके, तो इन ऑर्डर टू डू इट व्हाट वी विल डू इज वी विल कन्वर्ट फोर मंथ्स इंटू ईयर्स। तो हम क्या लिख लेंगे, टू ईयर्स प्लस फोर मंथ्स, ओके इज इक्वल टू टू ईयर्स प्लस मंथ्स को करने के लिए क्या करते हैं, उसको ईयर्स में करने के लिए फोर से डिवाइड 12 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ईयर्स ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 3, 4 3 12 होता है, तो ये क्या हो गया, टू ईयर्स प्लस 1/3 ईयर्स, और इन अदर वर्ड्स 2 1/3 ईयर्स ये आ गया। तो अब आप देखो हमारा टाइम किस में आ गया है, हमारा टाइम आ गया है फ्रैक्शन में। बिकॉज आर टाइम इज फ्रैक्शन, द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज डिफरेंट। तो हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, आप ऐसे लिखो पी 1 + R/100 लिखो। मैंने कहा था इसके दो पार्ट होंगे, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। होल पहले आप यहां पर भी 1 + R/100 लिख लो, ठीक है। मैंने आपको कहा था होल पार्ट होगा फ्रैक्शन होगा, होल पार्ट को यहां लगाना होता है और फ्रैक्शन को यहां पर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये हमने कर दिया और अब आप वैल्यूज डाल दो, 2 6 4 0 0 1 + R क्या था हमारा 15/100 रेज टू दी पावर 2, 1 + ठीक है, तो ये सिंपल कर लेते हैं, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 2 6 4 0 0 इसको भी हम सिंपल कर लेते हैं, 3 5 से हो जाएगा 20। ओके, और इसको भी फिर हम फर्दर सिंपल कर लेते हैं, 5 1 और ये हो जाएगा अगेन 20। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 + 3/20 रेज टू दी पावर 2 और ये हो गया 1 + 1/20। ओके, तो ये हो गया 2 6 4 0 0 20 + 3 20 रेज टू दी पावर 2, 20 + 1 20 और ये हुआ 2 6 4 0 0 23/20 या रेज टू दी पावर 2, 21/20 फिर 2 6 4 0 0 इंटू 23/20 23/20 इंटू 21/20। ओके, तो आप यहाँ से कट कर दो, 0 से 0, 0 से 0 कट कर दो, ये 2 से कटेगा एक बार 1 3 2, फिर ये दोबारा 2 से कट जाएगा 6 and 6 और फिर ये दोबारा 2 से कट जाएगा 33 आ जाएगा। ओके, सो ये क्या बच गया, 33 × 23 × 23 × 21। जब आपका ये अमाउंट यहाँ कैलकुलेशन करके आ जाएगा तो उस अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए। इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ यही निकालना है कि वो कितना अमाउंट वापस करेगी। तो जो आपका यहाँ पर आंसर होगा, दैट वुड बी द अमाउंट दैट शहनाज हैज टू रिटर्न टू द बैंक। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन था जिसमें कि टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है, तो हमने इसको, आई होप ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये 1/3 × 15 था, तो मैंने 3 5 15 काट दिया, फिर ये क्या रह गया, 5/100 रह गया, तो मैंने फिर 5 1 5 and 5 20 100 कर दिया, तो इवेंचुअली ये 1/20 रह गया, जैसे कि यहां पर है। ऐसे ही मैंने यहां पर 5 3 15, 5 20 20 ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और उसके आगे फिर मैंने फर्दर इसको सॉल्व किया। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। सबीना बोरोज रुपीज
12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. And Rabia borrows the same amount for same period at 10% per annum, compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो basically इसमें क्या है, इसमें एक लड़की है सबीना, एक लड़की है राबिया. सबीना ने 12,500 रुपये 12% की रेट पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए. सिंपल इंटरेस्ट, ओके. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी. रबिया ने उतने ही पैसे उतने ही टाइम के लिए 3 इयर्स के लिए, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम. उसने किस पे लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए. आपसे पूछा जा रहा है हु विल पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे, आप यहाँ पर ये आप क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक साइड आप लिखोगे सबीना, सबीनाज लोन, और एक साइड आप लिखोगे राबियाज लोन, ठीक है. ये ठीक है. तो एक तो हमारे पास सबीना का लोन है और एक साइड हमारे पास राबिया का लोन है. अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सबीना ने कितने पैसे बोरो किए, प्रिंसिपल क्या था उसका, रुपीज 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या है, 12%, और टाइम क्या है उसका, 3 इयर्स, ठीक है. और लोन और इंटरेस्ट क्या है उसका, इंटरेस्ट टाइप सिंपल इंटरेस्ट, ओके ओके. अब रबिया के बारे में क्या कहा, रबिया बोरोज द सेम अमाउंट, यानी कि फिर रबिया के लिए भी प्रिंसिपल क्या हो गया, रुपीज 12,500 ही हो गया. ऑफ सेम अमाउंट फॉर सेम पीरियड एट 10% पर एनम. तो रबिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, लेकिन सेम टाइम पीरियड यानी कि उसका भी टाइम क्या है, 3 इयर्स, ओके. और उसका इंटरेस्ट टाइप क्या है, इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके. आपसे पूछा जा रहा है दोनों में से कौन ज्यादा लोन देगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लगाना है. आप पी इंटू आर इंटू टी करो, डिवाइडेड बाय 100, 12,500 इंटू 12 इंटू 3 बाय 100 इज इक्वल टू 125 इंटू 12 इंटू 13, ओके. सो मैं कर लेती हूँ, 125 इंटू 12 क्या हो गया, 10, 5, 2, 5, 2, 1, 0, 10, 5, 1500, और 1500 इंटू 13, 15 इंटू 13, 15 हाथी 45, 5, 1, 5, 9, 1, 0, 0, क्या आया ये, रुपीज 19,500 आया सिंपल इंटरेस्ट. तो वो कितना अमाउंट पे करेगी, टोटल अमाउंट क्या होगा ये, क्योंकि यहां पर हमारा इंटरेस्ट आता है तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें ऐड करना होता है. रुपीज 12,500 प्लस रुपीज, मुझे क्यों लग रहा है ये इंटरेस्ट ठीक नहीं आया है. आई होप आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, लेट मी जस्ट सी वंस अगेन. 15, फिफ्टीन फोर फाइव वन, सो 5, 9, 1, 2, 0 थे, ठीक है. ये 10, 5, 2, 1, 2, 5, 10, 5, ठीक है, ये सब तो ठीक है. लेट्स सी, तो ये टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया, 0, 0,
जीरो ट्वेल्व, उसको देने हैं लास्ट में रुपीज 32,000 रुपीज. शी हैज टू पे. हु हैज टू पे? सबीना हैज टू पे बिकॉज हर लोन इज ऑन सिंपल इंटरेस्ट. अब रबिया का निकाल लेते हैं. रबिया का तो सीधा ही अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, तो सीधा अमाउंट ही आएगा. वन प्लस आर बाई हंड्रेड रेज टू द पावर एन, 12,500. वन प्लस आर क्या था इसका? 10 था. सिंप्लीफाई 3, 1,2,500. और ये हो जाएगा 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 125 रेज टू द पावर 3 इंटू 11 बाय 10 रेज टू द पावर 3, तो ये होगा 12,500 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 11 बाई 10, 10 से 10, 10 से 10 कट गया. और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 11 इलेवन ज़ा 121 इलेवन ज़ा 121 इंटू 121, और ये आ गया 1331. और फिर 1331 से 125, 15 16 हम ही 6 2 6 6 2 1 3 3 1 5 7 12 13 हाथ की एक 1 12 13 16 6 1 ये आ गया कितना रुपीस 166375. तो 1s, 10s, 100s, 10,000, 1,00,000. सो वाइल शी हैज टू पे ऑन सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 32,000, वॉट अमाउंट इज शी पेइंग इवन दो हर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस? शी इज पेइंग रुपीज 1,66,375 रुपीज. सो हु इज पेइंग मोर इंटरेस्ट? हु इज पेइंग मोर अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ हर लोन? रबिया इज पेइंग मोर अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ हर लोन. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दो लोगों के लोन को कंपेयर करने को बोला जाता है, आप ऐसे कॉलम बना लीजिए. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. यू मेक द कॉलम एंड यू डू बोथ द कैलकुलेशन साइड बाय साइड, बिकॉज देन इवन यू नो कि कैसे कंपेरिजन हो रहा है. ओके, यहां पर कोई एडिशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सीधा अमाउंट निकलता है. यहां पर हमने ऐड किया क्योंकि यहां पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, और टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट और हमें प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ता है. ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल डू टुडे. आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जावेद एट 6% पर एनम, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. कितने पैसे लिए? वो कह रहे हैं मैंने जावेद से 12,000 रुपए लिए 6% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, बिल्कुल वैसे जैसे सबीना ने लिए थे. ओके, फिर वो कह रहा हैड आई बोरोड द सेम सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे? लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो मैंने सेम अमाउंट सेम ड्यूरेशन के लिए 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो फिर मुझे कितना पैसा देना पड़ा, एक्स्ट्रा देना पड़ा होता. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है. मैं आपको दिखा देती हूं आपको किस तरह से लिखना है. ठीक है, आप यहां पर लिखोगे लोन ए एट सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, और आप यहां पे फिर लिखोगे लोन
बी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर वो बिल्कुल वैसे लिखना है, पी क्या था 12,000 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट क्या था आर इज इक्वल टू 6% और टाइम क्या था 2 ईयर्स, ओके। अब वो कह रहा है एक्सेप्ट फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सब चीजें सेम है, सो 12,000 सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, इट इज एग्जैक्टली द सेम, और टाइम भी 2 ईयर्स है, ओके ठीक। ये 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ये 6% कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है आप बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को करोगे। बस इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज पूछी है, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो जब आप यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप इस अमाउंट को टोटल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे और सब्ट्रैक्ट करके आएगा कि कितने पैसे उसको ज्यादा देने पड़ रहे हैं उसके मुकाबले। सो एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 4-3 इस क्वेश्चन नंबर 4। सो आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और होपफुली वी विल डू 4 मोर टुमारो एंड 4 मोर डे आफ्टर, ओके। सो प्लीज फिनिश योर होमवर्क टिल क्वेश्चन नंबर 4 मस्ट, और कोई मुझे अपना होमवर्क नहीं दिखा रहा है तो प्लीज काइंडली फिनिश इट एंड शो इट टू मी, फाइन, थैंक यू।